शुभमन गिल ने भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 में अपने बल्ले से एक बार फिर कमाल दिखाया। टी20 में लगातार दो मैच में असफल रहने के बाद तीसरे मैच में शानदार शतक जड़कर उन्होंने अपना लोहा भी मनवा लिया। पंजाब के इस युवा खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया था। 54 गेंदों में जड़ा शतक बनाए कई बड़े रिकॉर्ड। शुभमन गिल ने यह शतक महज 54 गेंदों में ठोका है और यह सबसे कम इनिंग्स में लगाया गया शतक है। महज 6 पारियों में उनका पहला शतक आ गया। इस सेंचुरी के साथ ही गिल ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। भारत के लिए सबसे कम उम्र में टी20 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। गिल ने 100 रनों की इस पारी में 6 छक्के और 10 चौके भी लगाए और उन्होंने न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों की खूब खबर ली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ओवर में ही ईशान किशन का विकेट गिर गया। टीम इंडिया ने जीत के लिए 235 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ने इसके बाद शानदार अंदाज में मोर्चा संभाला और कीवी बल्लेबाजों की हवा टाइट कर दी। दोनों छोर से दोनों बल्लेबाजों ने धुआंधार चौके छक्कों की बरसात कर दी। त्रिपाठी के आउट होने के बाद सूर्या ने भी कैमियो पारी खेली, लेकिन कीवी गेंदबाजों की पिटाई में कोई कसर नहीं रही। हालांकि हार्दिक पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए।